जय श्री कृष्णा दोस्तों, बी एस एन आर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके मन में देखिए बहुत अधिक जिज्ञासा रहती है कि मेरे घर में पलने वाला जो शिशु है वह एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों, जिसके पास देखिए लड़की होती है उसे लड़के की चाह होती है, और जिसके पास लड़का है तो उसे लड़की की चाह होती है, इसीलिए शायद जिज्ञासा भी अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ जिससे आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में पलने वाला जो शिशु है वो लड़का है या लड़की है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, ये सभी लक्षण देखिए चौथे पाँचवें महीने के बाद सही निकलते हैं और सही से आपको लक्षण दिखाई भी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण है वो देखिए बच्चे की हार्ट बीट है। जब भी आप देखिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो आपकी रिपोर्ट होती है उसमें देखिए बच्चे की हार्ट बीट लिखी होती है, बच्चे की हार्ट बीट से आप सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, अगर एक मिनट में अगर बच्चे की हार्ट बीट 140 से कम है तो माना जाता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर पर मिनट में 140 से ज़्यादा है तो माना जाता है कि आपने एक बेबी गर्ल कंसीव की है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक भी जिन भी महिलाओं ने लड़के को जन्म दिया है उनके शिशु की जो हार्ट बीट है देखिए एक मिनट में 140 से कम पाई गई है। वहीं पर जिन भी महिलाओं ने देखिए लड़कियों को जन्म दिया है तो उनकी हार्ट बीट, उनके बच्चों की हार्ट बीट एक मिनट में 140 से ज़्यादा पाई गई है। दोस्तों, ये अधिकतर केसेस में पाया जाता है, लेकिन सभी केसेस में पाया जाता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए, ये 80% तक सही निकलता है लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता। दूसरा है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला का सारा वेट टमी एरिया में ही बढ़ रहा है, यानी पेट में ही बढ़ रहा है, बाकी और शरीर में मतलब वेट नहीं बढ़ रहा है, और उसके पेट का आकार देखिए गोल लंबा और नीचे की तरफ से चपटा है और नीचे की तरफ झुकाव है तो माना जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। अगर दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपका पेट देखिए गोल है लंबा है लेकिन ऊपर की तरफ उठा हुआ है, बिल्कुल सामने की तरफ फ्रंट की तरफ सेंटर की तरफ उभरा हुआ है, यानी सामने की तरफ से उठा हुआ है या ऊपर की तरफ से उठा हुआ है तो माना जाता है कि आपके घर में पलने वाला जो शिशु है एक वो प्यारी सी बिटिया है। दोस्तों, ये जो लक्षण है देखिए सातवें महीने के बाद अच्छे से मतलब आपको दिखाई देता है, तो आप अगर सातवां मंथ चल रहा है तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने पेट को देखकर। दोस्तों, साथ ही देखिए अगर आपके अधिकतर जो दर्द है अगर आपके बैक में रहता है या फिर आपके नाभि के नीचे दर्द रहता है तो माना जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। साथ ही दोस्तों देखिए, जो नाभि लाइन होती है, अगर नाभि की जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी है, जो नीचे वाली लाइन होती है नाभि की, अगर वो बिल्कुल सीधी है तो माना जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। दोस्तों, नाभि से जो ऊपर वाली लाइन होती है अगर वो टेढ़ी भी है या फिर हल्की है या डार्क है, ये तो देखिए हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, लेकिन अधिकतर जो नीचे की लाइन अगर आपकी सीधी है तो माना जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। दोस्तों, मेरे भी दो बेटे हैं और दोनों के टाइम पे मेरी जो नाभि लाइन देखकर ही मेरी मतलब दादी सास ने बता दिया था कि मतलब मुझे बेटा होगा। दोस्तों, ये बड़े बुजुर्गों का बहुत ही पुराना और बहुत ही सटीक मतलब घरेलू नुस्खा है, ये बहुत ही सही बैठता है। अगर आपकी नाभि लाइन ऐसी सीधी है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। दोस्तों, ये दो तीन लक्षण मैंने बहुत ही सटीक बहुत से रिसर्च करके आपको बताया है, क्योंकि अधिकतर जिनको बेबी बॉय हुए हैं और जिनको बेबी गर्ल हुई हैं उनमें पाए गए हैं, तो उसी के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करिएगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा।